जब झुलक करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पल चप्पल गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। दुगली प्रमाण वापस हो, वापस हो, वापस हो। दुगली प्रमाण वापस हो, वापस हो, वापस हो। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। दुगली प्रमाण वापस हो, वापस हो, वापस हो। दुगली प्रमाण वापस हो, वापस हो, वापस हो। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के मुद्दे पे आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है काम रोको प्रस्ताव लाए थे हमारे जगत सिंह नेगी जी। नेगी जी को बुलाओ, नेगी जी, नेगी जी। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में नियम 67 के तहत जो एडजॉर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव का जो है हमने एक नोटिस माननीय स्पीकर मोदी को दिया था, और स्थगन प्रस्ताव ये होता है कि सारे काम छोड़कर पहले जो है जो हमने नोटिस दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने बारे उसको चर्चा में लेने के लिए हमने जो है नोटिस दिया था। और आप जानते हैं सभी कि लंबे अरसे से हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं वो आंदोलन रहित है वहाँ पर और सड़कों पर भी उतर आए हैं, और आज 22 तारीख से वो पदयात्रा उन्होंने मंडी से शुरू की है। परंतु सरकार के पास समय नहीं है कि उनके साथ बात करे, उनके उनको उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे, और यहाँ तक कि संडे के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ओकोवर में बैठकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुन रहे थे और उसको पूरा मीडिया में भी जो है दिखाया गया, और जो लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं जिनकी जायज़ मांगे हैं उनको जो मानने के लिए उनको जो है समय देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर भी जो है इन्होंने सब किस्म के जो है निरंकुश जो भी कानून है वो लगा दिया है कि आप जो है आंदोलन भी नहीं कर सकते। आपको जो है संविधान में अधिकार है कि अगर आपकी कोई समस्या है और सरकार सुनती नहीं है तो आप जो है उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो है आंदोलन कर सकते हैं। तो कर्मचारियों को तो आज ऐसा कर दिया कि जैसे ये गुलाम है, आवाज भी नहीं उठा सकते, छुट्टी भी नहीं ले सकते, हर किस्म के कानून इनके ऊपर लगाया हुआ है। और सरकार जो है नियम जो हमने जिसका नोटिस दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे चर्चा हम सदन में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। सरकार जो है सदन में इस स्कीम के बारे में चर्चा करना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो है भाजपा की सरकार थी केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही ये जो है निरंकुश कानून लाया, जैसे काले कानून कृषि के आए उस किस्म से ये भी एक काला कानून है जिसमें जो है कर्मचारी जो है पूरा अपना जीवन भर जो है पूरा सेवा करने के बाद जब घर जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। तो इस किस्म के कानूनों को रद्द करना है, और हम जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए है जिसमें हमारे जो माकपा के हमारे यहाँ पर विधायक है माननीय सिंघा जी ये भी हमारे साथ इसमें जो है शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली फर्स्ट फरवरी को एक ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 ऑफ पंजाब सिक्योरिटी एक्ट 1953 पहला ऑर्डर इन्होंने निकाला कि कोई भी कर्मचारी कोई रैली हो, कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, कुछ भी करना हो, हड़ताल हो, इवन प्ले बैंड भी उठाना हो, इसके लिए भी जो है इन्होंने इसको पनिशेबल एक्ट बना दिया था, आपको दंडात्मक आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सरकार की मंशा है हमारे कर्मचारियों के प्रति। उसके बाद सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नई इंस्ट्रक्शन जारी की चीफ सेक्रेटरी ने, और इन इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा कि स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन, बाइकॉट और कुछ भी आप करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 3 and 7 रूल, कंडक्ट रूल ऑफ 1964 ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, 1964 के रूल्स, 1953 के रूल्स, जब हिमाचल बना भी नहीं था उससे पहले के रूल्स जो है, इसमें इन्होंने कहा कि सैलरी, वेजेस, इमोलुमेंट आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर आप आंदोलन करेंगे, अगर आप बाहर प्रदर्शन करेंगे, और आप पे ऊपर काम नहीं तो वेतन नहीं लागू होगा, और डिफॉल्टर्स के खिलाफ को हम जो है सस्पेंड करेंगे और सर्विस से रिमूव करेंगे। और एक जो है इन्होंने दो मार्च को जो है एक और ऑर्डर निकाल दिया, तीसरा तुगलक फरमान इन्होंने जारी कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा छुट्टी वालों की जो है उनकी सबकी छुट्टी रद्द की जाती है, और जो इसके बावजूद भी कोई आंदोलन में गया है, शिमला आया है उनका रास्ता रोकने के लिए, तो इन्होंने कहा कि तत्काल शाम तक जो है उस कर्मचारी का
जो है पूरा कच्चा चिट्ठा जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार को शिमला में भेज दिया जाए। और ये जो है कर्मचारियों को रौंदना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं और मूवमेंट को दबाना चाहते हैं, जबकि कर्मचारी अपनी बात जब मुख्यमंत्री जी के पास लेके आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने बात करने से इनकार कर दिया। अब चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जो है सारे लगातार ऐसे तुगलकी फरमान जारी करवाते जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि सरकार ने पहले भी काम नहीं तो वेतन नहीं जो है भाजपा के शासन में लागू किया था, उसके हशर ये देख चुके हैं। और जयराम सरकार भी उसी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रही है। कर्मचारियों के खिलाफ जो इन्होंने स्टैंड लिया है, जिस ढंग से कर्मचारियों का आंदोलन है और कर्मचारी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, और कल बजट आ रहा है इसलिए उन्होंने यहाँ पे बजट आने से पहले अपनी बात रखी है। हर संगठन अपनी अपनी बात रख रहा है, तो कर्मचारियों को भी बात रखने की है। तो इसलिए ये जो 3 नोटिफिकेशन लगातार इन्होंने जारी की, हम कहते हैं कि इन नोटिफिकेशनों को वापस लें, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को ये बहाल करें ताकि बुढ़ापे में जो उनका गुजर बसर है ढंग से हो सके और सम्मान की जिंदगी हमारा कर्मचारी गुजार सके। हम करेंगे। और हमने ये भी कह दिया है कि ये सरकार तो जाने वाली है, इसको 6 महीने 7 महीने बाद जाना है, और कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और हम बहाल करेंगे। सर, सरकार बोल रही है, सीएम साहब बोल रहे हैं हमने कमेटी गठित कर दी है। कमेटी किसी भी मामले में तब गठित की जाती है जब मामले को लटकाना हो या जो काम ना करना हो। देखिए, ये जो 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव नेगी जी द्वारा लाया गया, मेरा पूर्ण समर्थन उसके लिए है। मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, जिस समय विधानसभा का सत्र आपके धर्मशाला में हुआ तो इन दी हाउस द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो 2 बातें उन्होंने पेश की, एक स्वर्ण आयोग को लेकर और एक किया जो न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर 2 कमेटियां गठन की गई। लेकिन एक कमेटी की रिपोर्ट आ गई और एक कमेटी 2 दिन पहले गठित की, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में जब आंदोलन तेज हुआ तो ब्रिटानिया की सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसे लाए लोगों को दबाने के लिए जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की लड़ाई को लड़ रहे थे, जलियांवाला बाग जैसे इंसिडेंट हुए, लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की लड़ाई अपनी मंजिल में पहुंची है। ये जो आज कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, जो ऐसे काले कानून लाए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के अंदर चलते नहीं हैं। और अभी भी मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस पर आप खुल के चर्चा करें, और यही नहीं, जो कर्मचारी है उनकी टीम से आप वार्ता करें। मानना नहीं मानना वो सरकार की मर्जी है, लेकिन बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। अगर आप करोगे तो हशर वो होगा जो शांता कुमार जी की सरकार के साथ हुआ। अगर आप वैसा चाहते हैं तो लोग तो उसके लिए पहले से तैयार है। इतनी बात मैं शेयर आपसे करना चाहता हूँ।